नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका पीजी यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, हमारे क्या चल रहा है संत संप्रदाय, हम कला संस्कृति पढ़ रहे हैं अपडेट कला संस्कृति, यानी न्यू चिन्हों के आधार पर विद्यार्थी हम कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा पहला ही टॉपिक संत संप्रदाय लिया। तो आप ऐसे सोचोगे संप्रदाय क्यों पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थियों हमने क्या पढ़ा था, लोक देवता, लोक देवियां, प्रमुख मंदिर, वो सब विद्यार्थियों उनमें से एक एक चीजें चेंज हुई है वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे संत संप्रदाय चल रहा था, इतने में न्यू जिले बन गए और हमने बंद कर दिया। तो पहले मैं यहाँ से शुरू कर दिया, संत संप्रदाय जो हमारे चल रहा था उनमें मैं सुधार करवा दूंगी, उनमें मैं पीछे आपको बता दूंगी ये चेंज हुआ ये हुआ, ताकि आपकी मेहनत डबल नहीं लगे, आपको दोबारा से नोट्स ना बनाना पड़े, सिर्फ आपको चेंज ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी हम यहाँ से चलेंगे आगे विद्यार्थियों। संत संप्रदाय में आज हम संत दादू दयाल जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों, संत दादू दयाल जी। अन्य नाम क्या है दादू दयाल जी का विद्यार्थियों, अन्य नाम था राजस्थान का कबीर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, तो संत दादू दयाल जी को कहते हैं। जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, 1544 में। तो 1544 में और भी कुछ हुआ है, अपना दिमाग की बत्ती को दौड़ लगाओ विद्यार्थियों, तब तक मैं नीचे बता दूंगी, भगाओ दिमाग की बत्ती को, 1544 में क्या हुआ था। और फिर है कहाँ हुआ, साबरमती नदी गुजरात में, साबरमती नदी गुजरात में संत दादू दयाल जी का जन्म हुआ। इनके पिता पंडित लोधीराम, दादू दयाल जी के पिता कौन है विद्यार्थियों, पंडित लोधीराम। गुरु कौन है, वंद्रावत जी या कुंदन जी दादू दयाल जी के गुरु है। समकालीन शासक, इनके समकालीन शासक कौन थे, मुगल बादशाह अकबर थे, 1556 से 1605 इनका समय है। और एक अमर के शासक भगवान दास थे, अमर के शासक कौन थे, भगवान दास। कहा फतेह भेंट की दादू दयाल जी ने, किससे भेंट की यानी किससे मिले थे, किससे, अकबर से। कहा मिले, फतेहपुर सीकरी यूपी में। मध्यस्थता यानी इनको किसने मिला है, इनके बीच कौन थे, भगवान दास जी। मध्यस्थता कौन था, भगवान दास जी। उपदेश, दादू दयाल जी के उपदेश क्या विद्यार्थियों, साधु खड़ी पंचमेल खिचड़ी ढूंढाड़ भाषा में, किसमें, ढूंढाड़ भाषा में, साधु खड़ी पंचमेल खिचड़ी। तो इनके ग्रंथ कौन है, दादू रे दोहा दादू री वाणी, दादू जी रा दोहा दादू री वाणी, दो इनके ग्रंथ है। कुल शिष्य, दादू दयाल जी के कुल शिष्य कितने थे विद्यार्थियों, 52। कितने थे, 52। तो वो 52 शिष्य क्या कहलाए, 52 शिष्य कहलाए क्या, दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ। दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ क्या, कौन कहलाए 52 स्तंभ विद्यार्थियों, के कुल शिष्य कहलाए। तो नीचे नोट्स निकाला मैंने इससे मिलता हुआ, गिरी सुमेर का युद्ध कब हुआ था, 1544 में विद्यार्थियों संत दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। और 1544 में ही गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। अभी आपको मैंने बोला था अपने दिमाग की बत्ती को भगाओ ताकि आपको याद आ जाए 1544 में और क्या हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध। मैं चाहती तो यही नोट लगा के लिख देती, लेकिन मैंने नीचे इसलिए लिखा था कि आपको याद रहे, आप ऐसे सोचो हाँ क्या हुआ और आपको अचानक याद आ जाए, फिर आपको नीचे मैंने लिखा दिया। इधर देखो विद्यार्थियों, प्रमुख शिष्य, संत दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य कौन थे विद्यार्थियों, प्रमुख शिष्य, एक नंबर गरीब दास जी, दो नंबर सुंदर दास जी, तीन नंबर रजब दास जी, चार नंबर माधव दास जी, पांच नंबर मिस्कन दास जी। गरीब दास जी, सुंदर दास जी, रजब दास जी, माधव दास जी, मिस्कन दास जी, ये पांच शिष्य थे। किसके पांच शिष्य थे विद्यार्थियों, दादू दयाल जी के। संप्रदाय, इनकी कौन सी संप्रदाय थी, दादू संप्रदाय, कौन सी, दादू संप्रदाय। तो विद्यार्थियों वेरी मोस्ट बात है, प्रमुख पीठ कहाँ थी, दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ कहाँ थी, नरेना जयपुर में, नरेना जयपुर में दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ थी। तो और मोस्ट है, ये तीनों मोस्ट है विद्यार्थियों, सत्संग स्थल कहाँ था, अलग तरीबा। तो शाखाएं कौन कौन सी थी, दादू दयाल जी की शाखाएं कौन कौन सी थी, एक नंबर खालसा, दो नंबर विरक, तीन नंबर उत्तरादय, चार नंबर खाकी, पांच नंबर नागा। खालसा विरक उत्तरादय खाकी नागा, खालसा विरक उत्तरादय खाकी नागा, खालसा विरक उत्तरादय खाकी नागा, ये विद्यार्थियों पांच इनकी शाखाएं थी। निर्माण कब हुआ था, 1605 में। स्थल दादू खोल बैराना पहाड़ी, दादू खोल इसको भैरव पहाड़ी भी बोलते हैं, बैराना पहाड़ी भी बोलते हैं, ये एक ही बात है विद्यार्थियों, दादू खोल भैरव पहाड़ी या दादू खोल बैराना पहाड़ी एक ही बात है। मेला
दादू दयाल जी का मेला कब बता बढ़ता है? फाल्गुन शुक्ल आठे फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को दादू दयाल जी का मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? नरेना जयपुर में। कहाँ बढ़ता है विद्यार्थियों? नरेना जयपुर में। तो ये थे हमारे संत दादू दयाल जी, इनकी एक एक बात आपको मैंने लिखी है, इसे बार इनमें से एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट बना लो, फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो सॉरी लिखो संत दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी। आगे लिखो अन्य नाम, अन्य नाम क्या था? राजस्थान का कबीर। अन्य नाम राजस्थान का कबीर। जन्म कब हुआ? 1544 ईसा। कहाँ हुआ? साबरमती नदी गुजरात। पिता पंडित लोधीराम। गुरु वंद्रावन जी पुलन जी। समकालीन शासक, समकालीन शासक मुगल बादशाह अकबर। 1556 से 1605 इनका समय है। आमेर का शासक भगवान दास। भेंट की किससे? अकबर से। किसे भेंट की? अकबर से। कहाँ की? फतेहपुर सीकरी यूपी में। मध्यस्था यानी इनके मध्य कौन था, मध्य बीच में कौन था? भगवान दास। उपदेश सदू खड़ी पंचमेल खींचड़ी ढूंढाड़ भाषा में। फिर ग्रंथ दादू जी री वाणी दादू जी रा दुहा। कुल सॉरी विद्यार्थियों, गुण शीर्षे कितने? 52 कहलाए। दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ, दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ। तो नोट लिखना, गिरी सुमेल का युद्ध 1544, गिरी सुमेल का युद्ध 1544। फिर इधर आ जाओ प्रमुख शीर्षे, दादू दयाल जी के प्रमुख शीर्षे, एक नंबर गरीब दास, दो नंबर सुंदर दास, तीन नंबर रजब दास, चार नंबर माधो दास, पांच नंबर मिस्किन दास। नीचे संप्रदाय दादू संप्रदाय, मोस्ट मोस्ट लगा के लिखना। प्रमुख पीठ नरेना जयपुर। सत्संग स्थल अलग दरिंबा। सहकाये 5। खालसा वीरत उत्तरादे खाकी नागा। खालसा वीरत उत्तरादे खाकी नागा, ये 5 इसकी शाखाएं थे। किनकी शाखाएं थी? दादू दयाल जी की। निर्वाण कब हुआ था? 1605 में। इस तरह दादू खोल बैराना पहाड़ी या भैरव पहाड़ी। मेला कब भरता है? कब भरता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। कहाँ भरता है? नरेना जयपुर में। तो विद्यार्थियों शायद मुझे उम्मीद है आप अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। चलो हम आगे चलते हैं। चलो लिख लो, नहीं लिखा है तो लिखो जल्दी, लिख लिया। चलो सर दादू दयाल जी ये थे हमारे। Thank you.
आगे देखो विद्यार्थियों, संत रजतदास जी क्या है। संत रजतदास जी, संत रजतदास जी का जन्म कहाँ हुआ? सांगानेर जयपुर में। कहाँ हुआ विद्यार्थियों? सांगानेर जयपुर में। इनके गुरु संत दादू दयाल जी। संत रजतदास जी के गुरु कौन थे? संत दादू दयाल जी। ग्रंथ रजब वाणी सर्वंगी, रजब वाणी सर्वंगी इनके दो ग्रंथ थे। इनका निधन कहाँ हुआ? सांगानेर जयपुर में। विशेषता, आजीवन दुंदे के वेश में रहे। इनकी विशेषता, ये अपने पूरे जीवन दुंडे के वेश में रहे। क्यों रहे थे विद्यार्थियों? इनकी शादी हो रही थी, रजतदास जी बारात उपदेश, बारात लेके आमेर से महाका तालाब, आमेर से जा बारात लेके आमेर जा रहे थे विद्यार्थियों। आमेर से तो बीच में महाका तालाब, अलग दरिंदा। ये बात लिखने की नहीं है विद्यार्थियों, आपको तो यहाँ तक लिखना है। ये तो मैं ऐसे आपको समझाने के लिए लिख दी। महाका तालाब अलग दरिंदा में विद्यार्थियों इनके गुरु मिले थे दादू दयाल जी। जिन्होंने इनको बोला, रजब तू गजब कियो और माथे बांधो मोड़, रजब तू गजब कियो और माथे बांधो मोड़, आयो तो हरि भजन में बैठो किन ठोड़। ये बात ये कही थी उपदेश विद्यार्थियों, और ये बात इनके दिल पे लगी और इन्होंने वहीं ये ले लिया कि मैं संत बनूंगा। मतलब ये इन्होंने शादी नहीं की और इन्होंने आजीवन अपने जीवन, मतलब जब तक ये जिंदे रहे उसी वेश में रहे, दूल्हे के वेश में। शेरवानी वेरवानी पहन के छत्तीस के जा रहे थे विद्यार्थियों, तो उसी वेश में फिर ये आजीवन रहे थे। कौन? रजबदास जी। इनका जन्म सांगानेर जयपुर में। गुरु संत दादू दयाल। ग्रंथ रजवाणी सर्वंगी। निधन सांगानेर जयपुर। विशेषता, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ये तीन चार बातें लिख लो विद्यार्थियों, फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो, रजबदास जन्म लिखो विद्यार्थियों, जन्म सांगानेर जयपुर। गुरु संत दादू दयाल। ग्रंथ रजवाणी सर्वंगी। निधन सांगानेर जयपुर। विशेषता, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ये पूरे जीवन दूल्हे के वेश में रहे। चाहो तो नीचे ये लिख लेना, रजब तू गजब कियो और माथे बांधियो मोड़, आए तो हरि भजन ने बेटो किन ठोड़। ये बात भी आप चाहो तो लिख लेना विद्यार्थियों। चलो लिखो, लिख लिया होगा विद्यार्थियों। चलो आगे चलना। आगे देखो विद्यार्थियों, संत पिंपा जी। अब क्या बनेंगे? संत पिंपा जी। संत पिंपा जी, संत पिंपा जी यानी पिंपा, ऐसे समझ लेना। मूल नाम प्रताप सिंह खिजी। इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खिजी। जन्म कहाँ हुआ था? गागरौन दुरग झालावाड़। पिंपा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गागरौन दुरग झालावाड़। पिता कड़ावाराम खिजी। जब हम पीपा बन के घी लाएंगे तो कड़ाव में कुछ करेंगे ना, ऐसे याद रखना। कड़ावाराम खिजी। माता लक्ष्मीवती। जिसके घर में लक्ष्मी होगी वही तो पीपा भर के घी लेके आएगा, वरना कौन लेके आ सकता है। माता लक्ष्मीवती। गुरु रामानंद। गुरु रामानंद, इनके गुरु का नाम रामानंद। आराध्य देव। किसके आराध्य देव थे? दर्जी समुदाय के। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव थे। गुफा टोडा गांव टोप। पहले थी टोडा गांव टोप विद्यार्थियों, अब आ गई केकड़ी। टोडा गांव केकड़ी में इनकी गुफा है। इनकी संत पिंपा जी की ये टोंक मैंने क्रॉस किया विद्यार्थियों। आपकी रटी हुई बात आपको वही याद आएगी और यही एग्जाम आएगा विद्यार्थियों। इसीलिए तो मैं फिर से करा रही हूँ, हम फिर से कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। हमारी न्यू कला संस्कृति चल रही है, यही तो चल रही है चेष्टा। पहले ऐसे था, गुफा टोडा गाँव टोंक विद्यार्थियों।
मैंने क्रॉस में ले लिया, ये टोंक मत बिल्कुल गलत है। टोडा गांव के एकड़ी में गुफा है, किसकी सन पिपा जी की मंदिर, समदड़ी गांव बालोत्रा, पहले था बाड़मेर, ये बाड़मेर नहीं है विद्यार्थियों, अब बालोत्रा में है मंदिर, समदड़ी गांव बालोत्रा, छतरी गागरों दुर्ग झालावाड़, छतरी झालावाड़ में है। फिर विशेषता, इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाला संत माना जाता है, किसको, संत पिपा जी को। इन्होंने गोरक्षा फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया, गोरक्षा के लिए फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किसने किया था, संत पिपा जी ने। तो विद्यार्थियों इनका स्क्रीनशॉट लो, इनको लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। लिखो चलो, संत पिपा जी, मूल नाम प्रताप सिंह खिची, जन्म गागरों दुर्ग झालावाड़, पिता कड़वराव खिची, माता लक्ष्मीवती, गुरु रामानंद, आराध्य देव दर्जी समुदाय के, गुफा टोडा गांव केकड़ी टॉप, मंदिर समदड़ी गांव बालोत्रा, छतरी केकड़ी, विद्यार्थी मैंने टॉप बोल दिया शायद मैंने भी, गुफा टोडा गांव केकड़ी, मंदिर समदड़ी गांव बालोत्रा, छतरी गागरों दुर्ग झालावाड़। विशेषता, इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाला संत माना जाता है, इन्होंने गोरक्षा फिरोजाबाद तुगलक से युद्ध किया था गोरक्षा के लिए। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद। जिनने नहीं लिखा वो लिख लो।